आज मैं आप लोग को बुक मार्क बनाना सिखाऊंगी। ओके, ये इस तरह से क्राफ्ट पेपर लेंगे, या फिर अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप पुराना कॉपी वगैरह का पेज ले सकते हैं, ड्राइंग शीट वगैरह ले सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर होना चाहिए, है ना, मतलब ये सारी लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका ये कोना और ये कोना कोई भी सा हो जो आपको ठीक लगे, वो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ये हो गया फोल्ड। फोल्ड होने के बाद इसको देखिए, ये हुआ, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। ओके, फिर अब ये वाले हिस्से को लेके फिर से आप फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये हो गया फोल्ड। अब इधर को भी आप फोल्ड कर लेंगे, ये हो गया फोल्ड। देखो मैंने कैसे किया, पहले ये ऐसा था, फिर मैंने उसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर इधर इसको फोल्ड किया, फिर ये फोल्ड किया। ओके, अब ये दोनों को ओपन करके ये वाला जो हिस्सा है उसको फिर से हम इधर फोल्ड करेंगे, ये हो गया फोल्ड। अब इसको इस तरह से कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे, ये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया इस तरह से, लाइन खींच लेनी है, ओके ये हो गया। फिर इस तरह से ओके, बन गया। अब इसका हाँ, अब इस तरह से स्पाइडरमैन का आँख कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से बना के हम इसको कट कर लेते हैं, या पहले से एक भी बना सकते हो आप, सिंगल बना के इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो ये क्या होगा, सेम बन जाएगा। फिर अब इसमें हम ग्लू लगा देते हैं, ये ग्लू लगाने के बाद मैं आप लोग को बुक मार्क बनाना सिखाऊंगी। ओके, ये इस तरह से क्राफ्ट पेपर लेंगे, या फिर अगर आपके पास क्राफ्ट पेपर नहीं है तो आप पुराना कॉपी वगैरह का पेज ले सकते हैं, ड्राइंग शीट वगैरह ले सकते हैं, है ना। ये स्क्वायर होना चाहिए, है ना, मतलब ये सारी लंबाई एक जैसी होनी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, इसका ये कोना और ये कोना कोई भी सा हो जो आपको ठीक लगे, वो इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके ये हो गया फोल्ड। फोल्ड होने के बाद इसको देखिए, ये हुआ, इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया। ओके, फिर अब ये वाले हिस्से को लेके फिर से आप फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये हो गया फोल्ड। अब इधर को भी आप फोल्ड कर लेंगे, ये हो गया फोल्ड। देखो मैंने कैसे किया, पहले ये ऐसा था, फिर मैंने उसको इस तरह से फोल्ड किया, फिर इधर इसको फोल्ड किया, फिर ये फोल्ड किया। ओके, अब ये दोनों को ओपन करके
ये वाला जो हिस्सा है उसको फिर से हम इधर फोल्ड करेंगे। ये हो गया फोल्ड। अब इसको इस तरह से कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। फिर इसको अंदर की ओर फोल्ड कर देंगे। ये हुआ। इसको हम क्या बनाए, इस पैटर्न में बना देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये हो गया इस तरह से लाइन खींच देनी है। ओके, ये हो गया। फिर इस तरह से ओके, बन गया। अब इसका हम अब इस तरह से स्पाइडरमैन का आँख कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से बना के हम इसको कट कर लेते हैं, या पहले से टेक भी बना सकते हो आप। सिंगल बना के इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके, तो ये क्या होगा, सेम बन जाएगा। फिर हुआ। अब इसमें हम ग्लू लगा देते हैं। ये ग्लू लगाने के बाद इसको इस तरह से ये बन गया स्पाइडरमैन। इसको आउटलाइन कर देंगे। ये ग्लू सूखा नहीं है ना अभी, तो अब इसे सूखने देंगे।